वहाँ कितने लोग हैं सर? वहीं जाने पर पता चलेगा। लोडर है ना? हाँ सर। सारे वेपन फुली लोडेड है? हाँ सर, फुली लोडेड है। कहाँ से आए? सर आंध्रा से आया है, अपनी रेगुलर पार्टी है। ओके। हेलो सर, जा रहे हैं सर, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे सर। श्योर सर। ओके सर, ओके सर। मिनिस्टर था, इनका मन जिसे करेगा उसे आगे बढ़ाएंगे, और जो मन से उतर गया उसे खत्म कर देंगे। इसमें फंस जाते हैं हम सब। शहर में कितनी गुंडागर्दी बढ़ रही है, पता नहीं इसका खात्मा कब होगा। सर आपने जो एरिया बताया था ना, ये वही है। आप कहाँ चल रहे हैं सर? वो जो BVM क्वार्टर्स बन रहे हैं ना, वहां से राइट लेना। दरवाजा बंद करके अंदर आओ। ए, मैंने कहा छोड़ दे उसे, बोला ना छोड़ दे। अरे तुझे क्या हुआ है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, तुम जाओ। प्लीज बात मानो, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं आऊंगी, कहा ना तुमसे, चुपचाप जाओ यहाँ से। ए, तो फिर जा, तेरी मर्जी। ऑटो, ऑटो, ऑटो स्टॉप। इडियट। हेलो, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। आपको इससे क्या? हम लोग 6 जन हैं, जितने पैसे चाहिए उतने देंगे, चलो। हेलो, बिहेव योरसेल्फ। बिहेव? इतना बस है क्या मैडम? अगर तुम अभी नहीं गए ना तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। hey, मेरा फोन। मेरा फोन दो। चार्ज ही नहीं है, पुलिस को कॉल कैसे करोगी? हाँ, ये लो, जिसे फोन लगाना है लगा लो। सीधी तरह यहाँ से चले जाओ वरना चप्पल से मारूंगी। चप्पल से मारोगी? जरा इधर आना रे। हाँ आगे। ये देखो, मेरे सारे दोस्तों ने जूते पहन रखे हैं, चप्पल किसी ने नहीं पहनी है। इसमें से तुम्हें कौन सा जूता चाहिए ये तुम ही डिसाइड करो। ये लो, एडिडास का है। जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। ये तो चिल्लाएगी बोल रही है। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। कौन है बे तू? तेरे से पूछ रहा हूँ, कौन है बे तू? निकल यहाँ से। अबे तेरी जात क्या, कौन है? Ah.
दूंगा इसे। जान सकती हूँ? कॉर्पोरेटर महेंद्र, तुमने मेरे जरिए कितने सारे पैसे कमाए, बीवी बच्चे फॉरेन टूर, हाँ तेरी लाइफ तो बिल्कुल मस्त कट रही थी, बेकार में मुझे क्यों टॉर्चर किया तूने? मैं कहीं भी कितने भी फ्लैट्स बनवाऊं तुझे इससे क्या मतलब है? हाँ जैसी भी लाकर तूने मेरा पूरा का पूरा काम तूने बंद करवा दिया। हाँ कॉर्पोरेटर, ये गोली सिंह कौन है क्या है सब कुछ जानते हुए भी तूने मेरे साथ पंगा लिया है, मतलब तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है ना? हेलो गोली सिंह, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। करिया जिंदा है, गोपाल फैक्ट्री में 8 लोगों को टक्का दिया उसने, वो हमारे हाथ नहीं लगा। करिया अभी तक जिंदा है? हाँ करिया, तू है कहाँ? ए ये क्या दिया? बिरयानी में चिकन पीस नहीं है, खा गया क्या? भैया ने। ए ये क्या है? इसमें सिर्फ बिरयानी और मसाला ही दिख रहा है, राइस कहाँ है? भैया ने। यस एनी प्रॉब्लम? किसने बुलाया मुझे? हेलो मिस्टर। यस
I am one and only owner of this Maharaja Biryani Hotel, Mr. Pappu, Pappu, Pappu. Any problem, sir? कैसी बिरयानी है? इसमें चिकन नहीं है. बिरयानी में चिकन नहीं है? अरे रे, हाँ यार, कहाँ गए सारे चिकन पीस? Hey, Mister. हाँ सर. इधर आइए. Yes, sir. ये कैसी बिरयानी है? इसमें सिर्फ मसाले हैं. राइस कहाँ है? सिर्फ मसाले? हाँ यार, सिर्फ मसाला ही है, बिरयानी नहीं है. आप फिक्र मत कीजिए सर, जरा आप दिखाइए सर. इसको इसमें डालते हैं, ये लीजिए सर. इसको अच्छे से मिक्स करते हैं. अब देखिए, राइस में मसाला, बिरयानी रेडी. आप लीजिए सर, आपके मसाले में राइस आ गया, बिरयानी रेडी. ए पप्पू, इधर आ रहे. यस बॉस, बोलिए बॉस. मैंने ना चिकन बिरयानी मांगी थी, इसमें झिंगूर कैसे आ गया? अरे रे, ये क्या है सर, लगता है झिंगूर बिरयानी दे दी है मेरे बावर्ची ने आपको. झिंगूर बिरयानी? मतलब कि जैसे चिकन बिरयानी मटन बिरयानी होती है, वैसे ही हमारे होटल में ये झिंगूर बिरयानी वर्ल्ड फेमस है. ये इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से कभी यहाँ कोरियंस आते हैं, कभी चाइनीज आते हैं, स्पेशली झिंगूर बिरयानी खाने के लिए. सर, चाइना से उनके गटर के झिंगूरों को मंगाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है. एक्चुअली ये झिंगूर बिरयानी 1200 रुपीज की है, टैक्स अलग. बिल रेडी करवाता हूँ, भर दीजिएगा सर. ए आनंद, बिल रेडी करना. ये झिंगूर भी तू अपने पास ही रख और ये बिरयानी भी तू ही खा ले. अरे सुनो भाई, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, यहाँ से दूर जाकर पियो. ए ओल्ड मैन, ये हमारा अड्डा है, हम यहीं पर सिगरेट पीते हैं, मांगता है तो तू बच्चों को लेकर कहीं और जा. कौन है यार, बहुत गलत बात कर रहा है. लगता है तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, अभी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ. क्या कंप्लेंट करेगा? हाँ, हमने तेरी बेटी को छेड़ा था क्या? क्या कहा तूने? क्या बात है यार? ए, खुद को क्या समझती है? अरे अरे, क्या चल रहा है? अरे क्या पिटाई कर दी इसकी? इसकी तो रुको. ए, इतनी देर कैसे हुई? मैनेजर चिल्ला रहा था यार. अच्छा, रास्ते में किसी की क्लास ले रही थी. चल. अच्छा, मैनेजर बहुत चिल्लाया. अरे नहीं, बच गए. चीकू लाई है, जाओ देखो बेटा. जानकी, तुम इसे लेके अंदर जाओ. ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनो. ये चीकी भी ना खिलौने कहीं भी फेंक देता है. जानू, तू कब आई बेटा? कब आई मुझे पता ही नहीं चला. कॉफी बनाऊं क्या? कहाँ खोई है तू? क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना जानू? क्या क्या हुआ बेटा? कॉफी बना कर लाऊं? माँ, मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी, मैं कोई और काम ढूंढूंगी. आखिर हुआ क्या है? अभी कुछ मत पूछो माँ. जानू, ए, ये क्या हो गया अचानक इसे? मुझे भी नहीं पता माँ, मैंने उसे चीकू को लेके अंदर जाने को कहा तो उसे वहीं छोड़ के खुद अंदर चली आई. माँ, माँ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है. माँ,
गए ये दोनों। माँ जाना, जाना, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्लाई तू? वो क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? कुछ तो बता बेटा, इतनी घबराई क्यों है तू? जानकी क्या हुआ, बोलो ना हमसे। ऐसी बेकार की सड़ी हुई जिंदगी पर बीवी बच्चों के साथ आराम से घर पे सोने की बजाय मैं यहाँ पर इन पागल लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर हूँ। भगवान, मैंने क्या पाप किए हैं, मैंने क्या पाप किए हैं? उस दिन वो भयंकर घटना मेरी जिंदगी में नहीं घटती तो मैं कितना खुश रहता, कितना खुश रहता मैं। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ और सहन भी नहीं हो रही है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ये बात मैं किसी को बता कर रहूंगा। कौन है? ऐ ऐ पागल, उठ जल्दी, अबे तेरी तो उठ, चल उठ जल्दी। भैया हाँ, झाड़ू पोछा लगाना है क्या? अरे रे भगवान, ये नींद में भी झाड़ू पोछा लगाने की बात करता है। ऐ मैं तुझे कुछ बताने वाला हूँ, ये बात तू किसी को मत बताना, हा? मेरा भांडा मत फोड़ना, समझ गया? हाँ। जब मैं 20 साल का था तब शादी करने के लिए कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी ये लड़की, कभी वो लड़की, करते करते टाइम निकल गया और आखिर में एक ज्योतिषी के पास चला गया। उस कमीने ने मुझ में ये दोष है, वो दोष है, ये खराबी है, वो खराबी है करके उसने मेरे 20 साल बर्बाद कर दिए। 40 साल का होने के बाद ही मेरे दोषों का निवारण मिला। उस वक्त मेरी जिंदगी में एक खुशी का पल आया। लेट से दिखाया लेकिन लेटेस्ट पीस दिखाया। लड़की को देखते ही ऐसा लगा कि दूध में हाथ धोकर उसके बदन को छू लूं। अनाड़ी फिल्म में जिस तरह से तीनों भाई अपनी बहन का ख्याल रखते हैं उससे भी कहीं बढ़कर ये अपनी बहन का ख्याल रखते हैं, आप तो देख ही रहे हैं ना। ये तो मेरा सौभाग्य है। वहाँ जो खड़े हैं ना वो यहाँ के नौकर हैं। एक दिन गलती से इन्होंने उस लड़की को नजर उठाकर देखा तो उनकी ये हालत हो गई। मतलब ये लड़की किसी राजकुमारी से कम नहीं है। ज्योतिषी जी हाँ? लगता है लड़की को मैं पसंद नहीं आया, चलो यहाँ से चलते हैं। मेरी बहन कह रही है कि आप उसे बहुत पसंद आ गए हैं। बड़े बड़े जमींदार और राजघराने के लोग हमारी बहन को देखने आए थे, किसी को पसंद नहीं किया, आपको पसंद किया है, आप भाग्यशाली हैं। थैंक्स। आपको लड़की पसंद है ना? अरे रे सर, फ्री में तो जहर भी मिले तो मैं पी लूंगा, आप तो मुझे खीर दे रहे हैं, मना कैसे कर सकता हूँ। हमारे घर की परंपरा के अनुसार ना लड़का लड़की को पसंद करने पर लड़का लड़की के साथ मिलकर ना मिलकर क्या? सुनिए, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन आपो किसी को मत बताइएगा। हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, कोई अपनी सीक्रेट किसी को बताता है क्या? बता दो ना जानी मत। छी, ऐसे छूना सही नहीं है, ये सब शादी की बात करेंगे। अरे रे, भले ही देर से मिली हो लेकिन 916 हॉलमार्क गोल्ड की तरह मिल गई हो मुझे, मेरी रानी। अभी जो नमक देके गया ना उसका नाम राजू है, उससे ना पहली बार मुझसे सच्चा वाला प्यार हुआ था। अरे जो तुम कह रही हो वो। अभी जो सब्जी देके गया ना बंटी, उसके साथ मैं फर्स्ट टाइम लॉन्ग ड्राइव पे गई थी मार्ट में। कोई बात नहीं, तुम नादान थी बचपने की वजह से, जूली फिल्म के सीन की तरह थोड़ा बहक जाने की वजह से थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया होगा, बस इतना ही ना। इतना ही सोचा था, लेकिन अब क्या? अभी जो रोटी देके गया ना गोटिया, वो मेरे पेट में गोला छोड़ के गया। अरे बाप रे, इसने तुम्हारे पेट में गोला छोड़ दिया? और किसने किसने क्या क्या छोड़ा है, अगर तुम एक ही साथ उसकी लिस्ट दे दोगी तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा। चावल हो गया था,
दाल हो गई, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, पापड़ हो गया, चटनी हो गई, अचार हो गया, सब कुछ हो गया, अब भी कुछ बाकी है क्या? अब इसके अलावा और क्या चाहिए मेरी जान? पान भी, पान वाला भी है, फुटपाथ वाला भी है, बंगले वाले भी है, आजू बाजू वाले भी है, सबको मिलाकर दही की तरह फेंट कर छाछ बन गया है। इतनी घिसी हुई चीज को घिसने में क्या मजा आएगा? उस कमीने ज्योतिषी ने मुझे फंसाया, तुम्हारे भाइयों ने फिल्म की तरह हर थिएटर में रिलीज करके मुझे दिया है, तुमने तो सनी लियोनी को भी पीछे छोड़ दिया है मेरी माँ। भगवान सुनिए जी, आपके होटल में बिरयानी खाने वाले बहुत लोग आते होंगे ना? ये शादी नहीं होगी। क्यों? ये क्या कर रहा है? क्यों क्या? ए पंडित, इसके भाइयों ने तो कहा था कि उन्होंने अपनी बहन को हीरोइन की तरह पाला पोसा है, लेकिन ये तो सनी लियोनी की माँ निकली गटर के। तुम मेरी बहन को सनी लियोनी कह रहे हो? तो क्या सती सावित्री है? चुप रहे, मेरी बहन पतिव्रता है, पता है क्या? पता है, जैसे शादी में मेहमानों की लिस्ट होती है वैसे उसके पतियों की लिस्ट है। तू मेरी बहन से शादी करेगा या नहीं? एक बार मैं बंदरिया से शादी कर लूंगा, लेकिन तेरी बहन से शादी नहीं करूंगा। मेरी बहन ने जिसे पसंद किया है अब उसे कोई पसंद नहीं करेगा। सुबह से आपको ही ढूंढ रहा था डॉक्टर साहब। मिस्टर पप्पू जी, ढूंढना बहुत जरूरी है, कमबख्त मिल ही नहीं रहा है। उनका होना सचमुच बहुत जरूरी है क्या? हाँ बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो आपके शरीर में ना होने की वजह से आप किसी काम के नहीं रहे। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए पप्पू जी, अगर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कहा जाए तो क्या है ना, आपके पास बैटरी है पर उसमें जान नहीं है। ये शॉर्ट एंड स्वीट क्या है? अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे उस दिन के बाद से मेरे पास बैटरी तो है लेकिन पावर नहीं है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, तुझसे ही पहली बार। हाँ तू किसी को बताएगा तो नहीं ना? मत बताना मेरे यार, मुझे पता है तू किसी को नहीं बताएगा, इसीलिए तुझे बताई। अब सो जा। बाप रे, अब मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। कहाँ है? सो जा। हे भगवान, कमला बहन आराम से, बहन धूल उड़ रही है। तुमसे एक बात पूछूं क्या? जरूर पूछो। सच में पूछ लूं? हाँ पूछो ना। सुना है आपकी बैटरी में जान नहीं है? वो तो अभी तक सो रहा है, मेरी बात इसको कैसे पता चली? जल्दी बताइए ना, मुझे घर जाना है, बहुत काम पड़ा हुआ है। चल निकल। एक गूंगा है और दूसरा बिल्कुल पागल। वो पागल तो सो रहा है, मेरी बात लिख कैसे हुई? अरे बस क्या? ये जंगली, ये करिया है ना? हाँ यार, करिया ही है। करिया, करिया, ए, ए करिया! हाँ बोलो भाई। करिया को देखा भाई? मसाला लाने के लिए भेजा था ना, यहाँ क्यों घूम रहा है तू? जल्दी चल, होटल में कोई नहीं है, पता नहीं है क्या? जल्दी बैठ, सारा काम छोड़कर मैं तुझे ढूंढने निकला हूँ। रुक 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 रुक, Yeah!
हे हे हाँ, क्या हुआ करिया, तू इतना बदल कैसे गया? हाँ क्या हुआ बोल, किसने बनाई तेरी ऐसी हालत, बोलो। आप कौन? हे करिया जोक मार रहा है। हे प्रभाकर, विघ्नेश और वो अशोक है, और मैं गोली सिंह हूँ, गोली सिंह। हाँ हे करिया, तुझे हुआ क्या है? हेलो हेलो, कौन है आप लोग? ये भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या चाहिए आप लोगों को? कौन है ये? तिरुपति से सफा चट करा के सीधा यहीं आ गया क्या? घर पर जाकर नहा धोकर आना चाहिए था ना। व्हाट हेल्प आई कैन डू फॉर यू? तू कौन है बे? मैं मैं कौन हूँ? अबे मेरी जगह पर आकर मुझसे ही पूछ रहा है मैं कौन हूँ? हेलो मिस्टर, आई एम वन एंड ओनली महाराजा दम बिरयानी होटल ओनर, आई एम मिस्टर पप्पू, समझा पप्पू? वैसे आपको क्या चाहिए? बल्क में दम बिरयानी घर में बच्चों के लिए भेज दो। मुझे बिरयानी नहीं चाहिए, मुझे करिया चाहिए। ये करिया किसी भी टकलिए के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ का करिया है। अब तू यहाँ से दफा हो जा। चल करिया, चल। हाथ लगाया तूने? करिया, अरे भाई माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये करिया के साथ क्या हुआ है? वो कौन है मुझे पता नहीं है भाई, एक दिन ऐसे ही मेरे होटल में आया और 3 प्लेट चिकन बिरयानी खा ली भाई, ऊपर से बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे, उसने हाथ मुंह धो लिए, उसके बाद जाने लगा। हेलो 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 मिस्टर, हेलो, पैसे दिए बिना जा रहे हो तुम? कैमरा लगाया बेटा, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हेलो पैसे देकर जाओ भाई। ए कहाँ जा रहे हो भाई? ये क्या तुम बर्तन धोने लगे? सर वो कौन है आपको पता है क्या? मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल भेज दीजिए इन्हें मेरे साथ। लेकर जाइए सर, मैं कहूंगा तो चला जाएगा, ले जाइए। थैंक यू। थैंक यू सर। या आई विल कम एंड टॉक टू यू लेटर। या श्योर श्योर आई विल कम। हेलो, आपका नाम क्या है? मैंने पूछा आपका नाम क्या है? करिया। करिया, गुड। हाँ करिया, तो मैं अभी आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, आपको उन्हें देखकर मुझे बताना है। ओके हाँ। ये देखिए, ये कौन है आपको पता है? बताइए कौन है? रजनी। ओके, अब एक और दिखाता हूं, देखिए ये कौन है बताइए? गांधी। गांधी जी, गुड। ओके देखिए, इनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, हो सकता है किसी एक्सीडेंट के जरिए हुआ हो या फिर किसी ने इन्हें जोर से मारा हो। हमारे हॉस्पिटल के एक चीफ सर्जन ने होली स्पिरिट हॉस्पिटल में इनकी सर्जरी की है। पता चला है कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लेबर्स ने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। उसके बाद वो कहां गया, क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता। उसका केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने उसे यहां पर कंप्लीटली एग्जामिन किया है। उसे ना प्रोसोपैग्नेशिया इफेक्ट हुआ है। क्या? प्रॉन प्रेग्नेंट? प्रोसोपैग्नेशिया, इसे हम फेस ब्लाइंडनेस बीमारी कहते हैं। मैंने उसे सेलिब्रिटीज के फोटोग्राफ्स दिखाए थे, देखिए एक नैनो सेकंड में ही उसके ब्रेन में स्टोर हुए सभी चेहरों को वो कंपेयर करता है। शायद वो फोटो किसकी है वो जानता हो, लेकिन उसका ब्रेन माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो। इसके अलावा उसकी लाइफ की कोई अजीबोगरीब घटना उसे इफेक्ट करती हो, या फिर कोई साउंड जिसे सुनते ही वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, जरा भी मूव नहीं करता। दैट इज वर्नी कॉर्सोकॉप मेमोरी लॉस। ऐसे समय में वो कुछ समय के लिए बिल्कुल पत्थर का बुत बन जाता है। शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता, चाहे वो पैर हो, गर्दन हो, शरीर का कोई भी हिस्सा कोऑपरेट नहीं करता। और ऐसी सिचुएशन में
उसे टच करने पर ही वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है और इस तरह से वो दोबारा नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है। सर, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? आप उसे नेक्स्ट सिटिंग में लेकर आइए, हम कोशिश करेंगे, पर एक बात का ख्याल रहे, आप उसे किसी भी कारणवश फोर्स करके कुछ भी याद मत दिलाइएगा, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। वैसे ये करिया कौन है और उससे आपका रिलेशन क्या है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? सर, ये करिया सर बड़ा कमाल का आदमी था सर। कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे? चार चिल्लरों को मारने से तू बहुत बड़ा डॉन बन गया? ये गोली सिंह का एरिया है, तेरा एक एरिया उसका एक एरिया, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, मैं जहां भी जाता हूँ वो एरिया मेरा हो जाता है। ए, तो किससे बात कर रहा है जानता है क्या? मैं तुझे, तेरे खानदान को, सबको जानता हूँ। अगर तेरे आदमी हमारे एरिया में आके शानपति दिखाएंगे तो उन्हें बख्शूंगा नहीं। करिया, अपने लोगों के लिए सोना है और शानपति वालों के लिए। भाई, ये बहुत उड़ रहा है, घुसेड़ दूं क्या? खजूर, इसे खत्म करना एक चुटकी का काम है। अपनों के लिए सोना है कह रहा था ना, और सोने को कोई खोना चाहेगा क्या? हाँ, उसका स्टाइल, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत और उसकी मर्दानगी देखकर मैं उसका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ।
ये डील ना मैं करूंगा भाई। किससे क्या काम करवाना है ये मुझे मालूम है। ए, दिखता नहीं पैर लग रहा है। दिखाई दे रहा है ना, तो साइड में बैठ। तुझे मैं अपने साथ रहने के लिए कह रहा हूँ, और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? करिया को साथ में रख के आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो हवा हूँ भाई, किसी के भी हाथ नहीं आता। तू हवा नहीं है करिया, तूफान है। चल, करिया का साथ पाने से मेरा लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। फिर एक दिन करिया अचानक गायब हो गया। कहाँ गया, क्या करता रहा, उसका क्या हाल हुआ, कभी कुछ पता नहीं चला। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, और जब मिला तो ऐसी हालत में मिला। डॉक्टर ने क्या कहा भाई? करिया बैठ जाओ। हाँ बैठ जाना। बैठ ना करिया। बहुत छाड़ा पल रहा है। ए करिया, देखो भाई कैसे जा रहा है। देखो भाई, उसका दिमाग सटक गया है। उसको मत रखो, उसको जाने दो भाई। ए, चुप रहो, मेरी जान उसके हाथ में है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ए, तुम तीनों साय की तरह उसका पीछा करो। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। चलो। ए, तू तेरे तो काम चोर कहीं का। जा वहां कस्टमर पर ध्यान दे। क्यों भाई, सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है भाई। अच्छा बिरयानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ये कौन है, आपकी माता जी है? नहीं, मेरी पत्नी है। पत्नी है? पहले पति को छोड़ दिया था क्या? अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है जी? अरे उसे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। घर चलो, फिर दिखाती हूँ मैं। क्यों आया तू यहाँ पर? तुझे आने के लिए मना किया था ना? तुझे लेने के लिए कोई भी यहाँ पर आ जाता है और मना करता हो तो मुझे पीटता है। तेरी वजह से मेरा जीना हराम हो गया। देख तू चला जाए यहाँ से। ए, कस्टमर्स को संभालना है, तू जाए यहाँ से। चल हाँ, दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। ए, देख किसको क्या चाहिए। ए, जल्दी से झाड़ू लगाओ। जल्दी से साफ सफाई करो, उसके पहले कोई नहीं सोएगा। ए, सब सामान अंदर रखो, बाद में लाइट बंद करना। मैं चलता हूँ। तू अभी तक यहीं खड़ा है? मैंने जाने के लिए कहा था ना, जा यहाँ से, जा, चल जा। अरे मुझे मुसीबत में क्यों डालना चाहता है, जा यहाँ से। अरे ठीक है, आजा, आजा। आ बैठ, वहां बैठ जा। खाना खाया कि नहीं? खाना भी नहीं खाया तूने? अरे खाना नहीं खाया था तो मुझसे मांगना चाहिए था ना। ए, इसे खाना दो। चला, खाना खाकर यहीं सो जाना। जाना मत, समझ गया? मैं सुबह आऊंगा। हाँ, कहीं भी मत जाना। पता नहीं कहाँ से आया है, क्या हालत बना रखी है अपनी। ए, ध्यान रखना, मैं तेरे ऊपर चिल्लाया इसका बुरा मत मानना। हाँ, सुबह मिलते हैं। सर, करिया, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। डॉक्टर, ओह डॉक्टर, करिया की हालत कैसी? सर पर चोट लगने से खून बहुत बह गया है, खून चढ़ा दिया है, अभी होश नहीं आया है, देखते हैं। सिस्टर, करिया को किसने मारा है? पता नहीं भाई। हाँ? किसने मारा? पता नहीं भाई, खाना खाने गए थे, वापस आए तो बिरयानी के होटल के पास कोई मार रहा था इसे। बहुत खून बह रहा था भाई, इसलिए हम इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गए। भाई, भाई, ये सब क्या हो गया भाई? भाई, भाई ये करिया के एरिया का है, करिया के साथ उठना बैठना था इसका। करिया के गुम होने के बाद ये भी किसी की नजर में नहीं आ रहा था, अब जाकर मिला है भाई, उठा कर ले आया, इसे जरूर कुछ पता होगा। भाई भाई, करिया को जानू के बारे में पूछेंगे तो उसे सब याद आ जाएगा, वो जानू को जरूर पहचान लेगा भाई। लेकिन
लेकिन जानू कहाँ है मैं पता नहीं है भाई। ये जानू कौन है जल्दी बताओ। भाई जानू करिया की लवर है भाई। जानू करिया की लवर है। ये मिस हो गया यार। करिया एक लड़की तुमसे मिलना चाहती है। करिया बुलाओ उसे। ठीक है बुलाता हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कीजिए ना। वो पर्सनल है। यहाँ पे पर्सनल वर्सनल कुछ नहीं है, जो है सब ओपन है, इसलिए जो बोलना है इधर ही बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कंफर्म किया है, 4 महीने हुए हैं और थोड़े दिनों में घर वालों को भी पता चल जाएगा। जल्दी से कोई फैसला करना होगा। मैं क्या करूं? क्या करूं बोले तो, इसमें मैं क्या करूं? भाई दोनों ने लाइटली कितना बड़ा कांड कर दिया है लगता है, इसलिए इसके पेट में फूल है और वो कहीं गुल है। ऐसे आदमी को उल्टा लटका कर मारना चाहिए, भोली भाली लड़की के साथ गलत करके छोड़ देते हैं। बेचारी लड़की को देखकर दया आ रही है मुझे, कुछ करो भाई। वो कौन है बताओ, उसको उठा के ले आएंगे। उसे छोड़ेंगे नहीं, बताओ तो कौन है। अरे मैं नहीं हूं भाई, आप हैं। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? एक लड़की है इसलिए चुप बैठा हूं, तेरी जगह कोई और होता ना तो उसको मैं। यार करिया लड़की प्रेग्नेंट भी है, थोड़ा सोच ले यार। क्या सोचने का है बे? हाँ भाई मान जाओ भाई, ऐसा होता रहता है। तेरी राय अपने पास रख। भाई देखने में लड़की अच्छे करके लगती है, ऐसे मामले में झूठ कैसे बोल सकती है? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? देखिए ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन। अगर आपने जवाब नहीं दिया ना तो हम तीनों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्या तीनों के? हाँ डॉक्टर ने कहा है कि ट्विंस है। तू कौन है मैं नहीं जानता, मरना है तो मर जाके। करिया तुम और 5 साल रुक नहीं सकते थे क्या? मैं बड़ी होकर तुम्हें ही पटाकर तुमसे ही शादी करने के बारे में सोच रही थी, मगर तुमने तो उस लड़की को जुड़वा बच्चे भी दे दिए। हे, ये तेरे को किसने बताया? मेरी सौतन जानू ने। क्या करिया सुना है जुड़वा बच्चे हैं, दोनों का क्या नाम रखने वाले हो तुम? लव कुश रखूंगा, अच्छा है ना? हाँ। ए, अपना काम कर। जरा यहाँ तो आना। क्या हुआ? मैंने शादी से पहले इसे एक ही बच्चा दिया था, लेकिन तूने उसे जुड़वा बच्चे दे दिए। बड़ा खिलाड़ी है तू। है कहाँ है बे वो? क्या समझती है खुद को? कौन किसकी बात कर रहा है तू? भाई कल जो यहाँ के दिमाग खा के गई ना। मरना है तो मर जा बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ओ यहाँ मारकर दफनाने के लिए क्या? दिखने में भली लगती हो, काफी समझदार भी हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो कौन है इतना बता दो, बस एक छोटा सा क्लू दे दो। वो इस दुनिया के किसी भी कोने में है, उसे लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह सोच के बताओ। शादी कब करनी है? शादी के मंडप में बड़ा पेट लेकर तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र बनवाऊंगी तो लोग हम पर थूकेंगे। मैं किसी भी एंगल से तेरे को पागल लगता हूँ क्या? हाँ अपने आप को समझती क्या है तू? एक लड़की है इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, इसलिए जाने दे बेचारी परेशान है ये सोचकर चुप भी बैठा हूँ, तो तू मेरे सर पे बैठी जा रही है। यही मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुझे जाकर मरना कहीं पे। मुझे परेशान करेगी तो तुझे हाय लगेगी मेरी। पुराण के रावण 10 सर 20 हाथ के बलबूते पर ए जानकी कहते ही रावण जी मुझे छोड़ दीजिए कहने के लिए, मुझे अशोक वन की जानकी समझा है क्या? जानू हूँ मैं, कलयुग की जानकी। जानकी देवी की जय। लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारे करिया भाई के एरिया में आकर हम दोस्तों को इकट्ठा करके हम सब को अपने प्लान में शामिल करके तुम हमारे भाई को टॉर्चर कर रही हो, अगर ये बात हमारे भाई को पता चल गई ना भाई। चल दिखाता हूँ तुझे मैं क्या चीज हूँ।
बहुत बुरी लड़की। ये आखिरी टाइम है, अगर दोबारा इस एरिया में तेरे को देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, फूट लेना, भाग। ए, किसको ए बोलती है? हाँ, गई नहीं क्या यहाँ से? ये क्या है? हाँ, बबल गम है। कॉमन सेंस नहीं है क्या? मुझे कचरे का डिब्बा समझा है? तेरी जात का। तू मर गई या जिंदा है, बस यही देखना था। चल जिंदा है तू, अब फुट ले यहाँ से। ए, एक और चढ़ाऊंगा ना। ए, 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 जाता कहाँ है? ए, रुक, क्यों क्यों मारा तूने मुझे? क्यों मारा? ए, क्या नाटक लगा रखा है? क्या चाहिए तेरे को? चाहिए मुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी करेगा क्या? मेरे साथ घर बसाएगा? जैसा सोच रही है वैसा कभी होने वाला नहीं है। होगा, करके दिखाऊंगी, देखेगा। ए, तू है कौन? जानू, जानकी, जानकी करिया। अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है। अगर मुझे गुस्सा आया ना। गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो ना, मेरी बात मान लो ना सोना। जिगर का टुकड़ा हो ना, मेरी बात मान लो ना सोना। ए करिया, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? आज हमें स्कूल जाना है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ। सुन ना बेटा, कहाँ जा रहा है? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ए करिया, कहाँ चला गया बेटा? माँ, मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ क्या कर रहा है? चल नीचे आ जा बेटा। मैं नहीं आऊँगा, अगर मैं नीचे आया तो तुम मुझे स्कूल भेज दोगी। मेरा सोना बेटा है ना, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो ना। मेरे जिगर का टुकड़ा है तुम? मेरी बात मान लो ना सोना। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? हे, क्या हुआ है? एक बात मानोगी? एक बार मेरी माँ की तरह बात करो ना। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो ना, मेरी बात मान लो ना सोना। ए, क्या हुआ? ऐसे, अब तुमने कहा ना, ऐसे जब मैं बचपन में बहुत मस्ती करता था ना, तब मेरी माँ इसी तरह से बोलकर मुझे मनाती थी। जब भी तुम मेरे साथ में होती हो ना, तो मुझे माँ की बहुत याद आती है। तुम सो क्यों रही हो माँ? मैं तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हूँ ना, उठो ना माँ, देखो तुम्हारा सोना आ गया माँ। उसके मरने के बाद मेरे पास उसकी यही निशानी है, बस। मैं एक बार पहन कर देखूं? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मत दो। नहीं, लो पहनो।
कितना अच्छा है। करिया तुम ही पहना दो ना प्लीज। अरे पहनने के बाद तो देना ही भूल गई, रुको अभी निकालती हूँ। जानकी हाँ? इसे पहनी रहो। अरे तुम्हारी माँ की निशानी है, मैं नहीं रख सकती। जानो लगता है तुम मेरी माँ को पसंद आ गई हो, रख लो। ठीक है हाँ? जानो तुम्हारी गोद में सो जाऊं। भाई उसी दिन आखिरी बार देखा था, उसके बाद भाई को देखा नहीं। तो फिर वो लड़की कहां गई होगी? हाँ जानू। करिया तुम कहां हो? करिया मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ जानू? मजाक करने की भी एक हद होती है जान के, तुम्हें क्या हुआ सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही थी और तुम हो कि तमाशा बना कर रखा है। ए, सॉरी, 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 तुम्हें जोर से लगी तो नहीं ना? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, समझने की कोशिश करो। तुम कौन हो जानती हो और तुम मेरे लिए क्या हो पता है तुम्हें? तुम मेरी जान से भी बढ़कर हो, तुम मेरी माँ की तरह हो। मेरी माँ, तुम्हें मैंने यहां नहीं रखा है, यहां पर रखा है। बात को समझो, मरने को बोल दो, अभी मर के दिखा दूंगा, लेकिन ऐसा मजाक दोबारा मत करना। करिया तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? करिया एक बार मुझे अपने गले लगा लो। ऐसा क्यों कर रहे हो शोना? तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो ना? ऐसा बोल बोल कर तुम मेरी जान ले लोगी? करिया मुझे एक किस दो प्लीज। करिया मेरे लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो क्या? तुम बस बोलो, बाद में देख लो। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। सारे मर्द एक जैसे होंगे, लेकिन ये करिया सबसे अलग है। हम्म? तो क्या इस बिल्डिंग से कूदने के लिए कहूंगी तो कूद जाओगी? इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बस ये सब कहते हैं, सब झूठ होता है और शादी के बाद सब खत्म। जानू, आई लव यू।
वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जानी चाहिए। क्या हुआ? करिया को किसने मारा ये पता चल गया भाई। बिरयानी के होटल के पास एक सीसीटीवी कैमरा था, हम उसका फुटेज लेकर के आए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, दिखाओ मुझे। सर जस्ट अ मिनट। सॉरी सर। और थोड़ा पास लेकर आओ, थोड़ा पास करके दिखाओ। पता नहीं भाई। ए, एक घंटे में वो कौन है, क्या कर रहा है, सब पता चल जाना चाहिए। जाओ यहाँ से। एक दो तीन चार। भाई अंडे लेकर आ गए? कितनी ट्रे लेकर आए? एक दो तीन चार पाँच छः। भाई करेक्ट है ना? ये अंडा ही है ना? एक भाई ये क्या कर रहे हैं? दूसरा अंडा ही है ना? दो हो गए। ओके भाई ये हो क्या रहा है? अबे तुझे पता नहीं है क्या पागल? चाइना वाले प्लास्टिक के अंडे बेच रहे हैं, इसीलिए ये प्लास्टिक के अंडे हैं कि ओरिजिनल हैं चेक कर रहा था। समझ गया मेरी बात? मेरे होटल में जेन्युइन कस्टमर्स आते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए ओरिजिनल सामान रखना पड़ता है। ए, ए, मेरे अंडे को अपनी तरह समझ रखा है? क्या मतलब है तेरा? ए, मेरे बारे में तुझे क्या पता है? बोल। सब पता है, तेरे अंदर बैटरी है लेकिन उसमें जान नहीं है। इस अंडे के बारे में क्या जानता है? इसमें बैटरी भी है और जान भी है। अंडे चेक कर रहा है, तुझे दूंगा नहीं मैं अंडे। ठीक है जा, निकल रहे निकल। अरे बाप रे, मेरी बात लीक कैसे हो गई? एक्सक्यूज मी प्लीज। आप कौन है? ड्यूटी डॉक्टर। थोड़ी देर पहले ही तो डॉक्टर आकर गए हैं। दरअसल एक और इंजेक्शन देना है, सो प्लीज। ठीक है जाइए। थैंक यू। दीदी देखो, मुझे बेटा ही चाहिए और पैदा होते ही मुझे सौंप देना, भूल मत जाना। हाँ उसके बाद हम क्या करें? अरे एक और बच्चा पैदा कर लेना, ये भी अब मैं ही बताऊं क्या? हाँ मैंने तो लड़के का नाम सोच भी लिया है, उसे चंदू बुलाएंगे। अच्छा है ना? चंदू? अरे बुद्धू, हमारे पापा का नाम क्या है? चंद्रशेखर, इसलिए शॉर्ट में चंदू रखेंगे। संध्या जी, लगता है आपकी छोटी बेटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। सच में बहुत प्यार करती है। उसके होने से मेरा बेटा नहीं है कभी दुख नहीं होता। एक मिनट। सब ठीक चल रहा है ना भैया? नहीं सर, वो आपका फोन दीजिए। वो एक मिनट, मैं करता हूँ आपका। पापा मुझे आपका फोन दीजिए, मुझे अर्जेंट कॉल करनी है। तुम्हारा फोन कहाँ है बेटा? चार्ज करने के लिए रखा है, आप फोन दीजिए ना। किसी का फोन आया तो रिसीव मत करना, ठीक है? समझी जी? आइए ना। अभी आया। रिसीव मत करना बोला तो रिसीव मत करना बेटा, बस। आइए माफ कीजिएगा, किसी का फोन आया। आइए, मुझे बहुत जरूरी मिलवाना है। ये किसकी कॉल हो सकती है? क्या हो बे, बात करते वक्त फोन काटता है? मार मार के हालत खराब कर दूंगा तेरी। कैसे बात कर रहा है तू? ऐसे किसे धमकी दे रहा है? मेरे पापा से ऐसे बात करता है? चप्पल से मारूंगी तुझे। ए, हिम्मत है तो राधे श्याम हॉल में आ, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे तुझे अकल है कि नहीं, किससे बात कर रही थी पता है? पापा कौन था वो? अरे तुम जा, तू अंदर जा। गंदी तरीके से बात कर रहा था। जा ना अंदर, जा जा जा। पापा जा यहाँ से। जानू, ए जानू, क्या सोच रही है? जा घर जाकर जल्दी से उसकी पाया लेकर आ। चल चल जल्दी कर, जल्दी आ जाना। ए, चंद्रशेखर कहाँ है तू? सामने आ। आप कौन है, क्या चाहिए आपको? तू ही चंद्रशेखर है क्या? नहीं, उनका दामाद हूं। नहीं ना, तो उस कमीने को बुलाना। ए, कैसी बात कर रहे हो? हाँ तमीज से बात नहीं कर सकते क्या? तमीज से मतलब इतना झुक कर बात करें क्या? ए, करिया को बुला। ए, गाली देकर क्या बात कर रहा है? करिया, ये कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। मुझसे ही बात कर रहे हैं ना? हाथ क्यों उठाया अब? ए, तू कौन है? मैं कौन हूँ? अरे क्या हो रहा है? मैं कौन हूँ? अरे छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को लेकर आऊंगा। नहीं पापा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मैं भी चलूंगी। तू कहाँ मरने के लिए जा रही है, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। जा पापा, जा यहाँ से, जा पहले। पापा प्लीज, मुझे भी आपके साथ जितना बोलना उतना कर। हेलो पापा, क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। आपके पिताजी को करिया से दुश्मनी मोल लेना जरूरी था क्या? हाय, आई एम जानकी। मैं दास। गिरीश। समीर। मैं वहाँ पीजी में रहती हूँ, अभी अभी रहने आई हूँ। करिया सच में बहुत बड़ा भाई है क्या? करिया का नाम सुनते ही पूरा एरिया थर थर कांपने लगता है, पता है क्या? ये लो। हेलो, इसमें हंसने जैसी क्या बात है? अगर उसी करिया को मैं कांपने पर मजबूर कर दूं तो क्या दोगे? मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी के मंडप में बड़ा सा पेट लेकर तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र बनवाऊंगी तो लोग हम पर थूकेंगे। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। करके दिखाऊं? तुम्हारी गोद में सो जाऊं? तुम मेरी माँ जैसी हो। एक बार मरने के लिए बोल दो, मर के दिखा दूंगा। इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सब ऐसा कहते हैं, सब झूठ कहते हैं, और शादी के बाद प्रेम कहानी खत्म। I love you! करिया! 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 तुझे क्या लगा, डराना तुझे ही आता है क्या? मैं नहीं डरा सकता, कैसा लगा? तो क्या कुछ भी नहीं हुआ ना तुम्हें? तुझे छोड़कर कैसे मर जाऊं? हाँ, तू बहुत डर गई ना, मैं जानता हूँ। तू मुझसे भी ज्यादा डर गई थी ना? हाँ, अब तुम मेरे हाथों मरेगा। अब कैसा है? अंदर डॉक्टर चेक करने गई है भाई, अगर कोई और अच्छा स्पेशलिस्ट है तो उसे बुलाओ। डॉक्टर को फोन किया? जल्दी बुलाओ। हाँ। इसे जल्दी ठीक करना है। वो लड़की कौन है? पता चल गया भाई, उसका नाम जानकी है भाई। जानकी कौन है? वही भाई, चंद्रशेखर की बेटी, साइन प्रॉपर्टी वाला भाई। राधेश्याम हॉल से जिनके दामाद को उठा कर लाए थे ना, ये उसी की बेटी है भाई। वो भला करिया की जान क्यों लेगी? हाँ भाई, उसके बाप और दामाद को करिया ही एक बार उठा कर लाया था ना।
फोन ऑफ कर दे। माँ का है। ऑफ कर बोला ना। ए, करने दे उसको बात। माँ राकेश बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? तुम फिक्र मत करो माँ, मैं आ जाऊंगा माँ। तुम मेरी माँ से बात करवा। माँ बस करो माँ, माँ मेरी बात सुनो माँ। बात करवा उनसे। ठीक है माँ। ऑन कर बेटा, स्पीकर ऑन कर। देखिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, मेरी बहू माँ बनने वाली है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। देखिए मैं आप लोगों की भी माँ जैसी हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। कटकार, ए गाड़ी साइड में रुका, उसको नीचे उतार। भाई को अगर पता चल गया ना तो? ऐसा मत कर करिया। मैंने कहा छोड़ उसको। ए, चल निकल। फर्स्ट टाइम करिया से पंगा लेके कोई जिंदा बच के जा रहा है, तेरे लिए नहीं तेरी माँ के लिए। चल निकल। करिया ये तूने क्या कर दिया? उस लड़की ने मुझे फोन पर कमीना और न जाने मुझे क्या क्या बोला। उसके बाप को यहाँ पर लाकर और लड़की को भी लाकर उन सब के साथ क्या क्या करना चाहता था। देखो भाई, उसकी पत्नी भी माँ बनने वाली है, अपने को पता नहीं था इसलिए उठा लिया उसको। रास्ते में आते वक्त उसकी माँ फोन पर बहुत ही गिड़गिड़ा रही थी, सुन के बहुत दया आ गई। भाई छोड़ो ना, फिर किसी दिन मैं ही उसको लेके आऊंगा, बात कर लेंगे। ए करिया, तू कोई भी काम फ्री में करता है क्या? कमीशन नहीं लेता क्या? बातें बहुत हो गई, मैं जो कुछ भी करता हूँ ना यहाँ से करता हूँ, तुम्हारे कहने पे नहीं। ये क्या भाई, वो आपको उंगली दिखाकर बात कर रहा था। भाई खाली हाँ बोलो, अभी इसी वक्त डाल दूंगा। ये ले ले, पकड़ पकड़, जा डाल क्या? पता था तुम लोगों से नहीं होगा। हाँ नमस्ते भाई, मैं आपसे मिलने घर गया था तो। मुझे क्या समझ रखा है, आधे घंटे पहले मिलता ना तो मैं क्या चीज हूँ तुझे दिखा देता। नाराज मत होइए भाई, कुछ मत कीजिएगा, वो नादान लड़की है, अनजाने में सब कुछ कह गई, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तूने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे पैसे लिए, तेरी बेटी की शादी भी हो गई और वो माँ बनने वाली है, फिर भी अभी तक तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए, क्यों? दूंगा भाई, कुछ भी करके। वो सब छोड़िए, पैसे मैं दूंगा, आप पेपर रेडी कीजिए बस। पेपर चाहिए क्या? ये ले देख ले, मुझे क्या देख रहा है, पेपर देख। ये क्या है, सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लिखवाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टी देना ही नहीं चाहते। और उसे मैं छोड़ने वाला भी नहीं। आप डरा रहे हैं क्या? अरे रे 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 रे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, अपन आदमी ही ऐसा है। ससुर जी इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, आगे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है, चलिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके पैर पड़ता हूँ भाई, मेरे दामाद को छोड़ दीजिए, प्लीज सर, प्लीज आपके 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 पैर पड़ता हूँ, मेरे दामाद को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। समझना, अगर मैंने हाँ कहा ना। नहीं नहीं भाई, ससुर जी सही मत कीजिए। छोड़ दीजिए भाई, मैंने साइन कर दिया, छोड़ दीजिए। नागेश बेटा, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया बेटा, बेटा बेटा, तुमने मेरे दामाद को मार डाला, मैं तुझे चोट से मार डालूंगा। नई बिल्डिंग के लिए बलि चढ़ा दी है, इसे ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दो। ए, भाई सुन, उस लड़की के हाथों करिया मरना नहीं चाहिए, वो लड़की जहां पर भी दिखे उसे पकड़कर खत्म कर दो। Ha ha ha!
है। गाड़ी घुमा, जल्दी घुमा। पर क्यों भाई? जल्दी वापस चलो। हे, कहाँ पर है? हॉस्पिटल के बाहर है। जल्दी से करिया के पास जाओ। वो जो डॉक्टर के भेष में करिया के पास खड़ी थी ना, वो जान की ही थी। जल्दी जा। जानू, सिर्फ इतनी सी है और जान लेने चली है? हाँ, हमारे आदमियों को मार रहा है, इसे खत्म कर। ये तेरे जान की दुश्मन है। हे, पागल हो गया क्या? इसे कहाँ लेकर जा रहा है? करिया कहाँ? मैंने कितना समझाया फिर भी आप नहीं माने। अरे करिया को क्या हुआ ये बताओ। करिया को कुछ नहीं हुआ है भाई। हम उस लड़की को मारने गए और करिया ने हमें मारा और उसे एम्बुलेंस में लेकर चला गया। मुझे मार डालो करिया, मुझे मार डालो, मार डालो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मार डालो मुझे, मार डालो करिया, मार डालो, मार डालो। आजकल लोग छोटी मोटी साइट के लिए भी बलि चढ़ाते हैं।
ऐसे में प्रॉपर्टी के पैसे और बाकी सब मिलाकर 300 करोड़ होते हैं। अगर तुझे ये विषय खेल लग रहा है ना, तो तू मुझे जानता ही है भाई। वो तुझे इस मुकाम पर मैं लेकर आया हूँ, गिराने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। 2 दिन की मोहलत देता हूँ, मेरे सारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना जानता है ना, ये और इसके एक भी आदमी बचने नहीं चाहिए। नहीं भाई, वो जाने दीजिए सर, अपना गोली मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है। साहब दूध। 2 दिन और जाने दो, साथ में नाश्ता भी कराएंगे। भाई वो कॉर्पोरेटर का मर्डर केस अभी क्लोज नहीं हुआ है, एनकाउंटर में तुझे भी मरवा दूंगा। अरे मुझे छोड़ो ना, ए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे बाप रे, भाई, 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 नमस्ते भाई। वो करिया की प्रेमिका कहाँ है? उसे कहाँ छिपा रखा है? प्रेमिका? ये क्या कह रहे हो भाई? आप उस करिया को ले जाना चाहते थे, मैंने उसे आपके साथ जाने दिया, उसके बाद वो खुद आकर मेरे पास काम पर लग गया, फिर अचानक कहाँ चला गया पता नहीं। अब आप उसके साथ उसकी प्रेमिका को ऐड कर रहे हैं, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? उसकी प्रेमिका कौन है मुझे सचमुच पता नहीं है भाई। कस्टमर के आने का टाइम हो गया, मैं जाऊँ? मुझे कुछ नहीं पता है भाई। अरे बाप रे, तुझे कल तक का टाइम दे रहा हूँ, अगर वो दोनों कहाँ है तूने नहीं बताया ना, तो तेरा ये बिरयानी होटल भी नहीं रहेगा और तू भी नहीं रहेगा। भाई आपने टोपी क्यों नहीं पहनी? ठीक है भाई। अच्छा वैसे मुझे कुछ सुनने में आया। क्या है भाई? यही कि तुम्हारी बैटरी में जान नहीं है। तेरे बारे में पता चल गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चले, चले, चले। मेरे बारे में सबको पता चल गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। ड्राइवर भाई थैंक्स। माय डियर केरला पीपल, द ओनली वन पफो इज कमिंग, पुटिंग ओनली वन बिरयानी होटल इन केरला, वर्ल्ड नंबर वन बिजनेसमैन बन जाऊंगा। यस आई एम कमिंग विथ माय बिरयानी। अच्छा ठीक है भाई, देखिए अपने गांव वालों को ही अपना दुश्मन बना बैठा है। चल चल रहे नौजवान, चल चल रहे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं। थैंक्स। जितनी तेज पानी में मछलियाँ भागती हैं, उतनी तेज ये औरतें बोलती भी हैं। हेलो भाई, एक कप चाय देना। अच्छा मुंबई से आ रहा भैया? अरे रे 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 रे, आपको कैसे पता चला? मुंबई में भी मेरा चाय का धंधा है। बहुत अच्छी बात है भाई, मुंबई दिल्ली में ही नहीं, भगवान की दया से चंद्रलोक में भी आपकी चाय की दुकान खुलेगी। चाय बहुत ही गर्म है, लेकिन इसमें तो गर्म पानी है, चाय कहाँ है? बदतमीज, कहीं का कहाँ हाथ लगाता है? रुक, शर्म नहीं आती तुझे? नालायक कहीं का, हरत कर तो। कौन है भैया? आपके यहाँ के लोग बड़े शरीफ होते हैं, मैंने तो बहुत तारीफें सुनी थी, सुबह सुबह मेरी इज्जत उतार रहा था, ये बात ठीक है क्या? अरे क्या हुआ सर, आपकी बैटरी में पावर है कि नहीं वो ये देख रहा था। मेरी बैटरी में पावर नहीं है, ये आपको भी पता है? वो कहा है भैया, फेसबुक में एक पेज ओपन हुआ है। फेसबुक में? ये आपका ही है ना? अरे बाप रे, मेरी पब्लिसिटी फेसबुक पर भी हो गई है, अब तो स्पेस में ही पब्लिसिटी बाकी है। मेरी बात का बुरा मत मानिए भाई, करिया तो अब पागल हो चुका है और उसकी प्रेमिका उसकी जान लेने के पीछे पड़ी है। हमें ऐसे पागलों से क्या मतलब है भाई? वो चाहे जिए या मरे, आप छोड़ो ना भाई। मुझे करिया की जान क्यों प्यारी है पता है? अब फिलहाल दिसंबर के 3 तारीख तक ही आप अपने सारे पुराने नोट अपने खाते में जमा कर सकते हैं। RBI के नियम। अरे भाई साहब, मैं शिवराम बोल रहा हूँ। अब नहीं चल सकते, क्या हो रहा है ये? नोटबंदी की खबर सुनकर मेरी जान जल रही है, डूब कहना करोड़ों रुपए। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, अब क्या करूँ मैं? अरे जल्दी कुछ सोचो वरना बर्बाद हो जाएंगे। जब उस दिन सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट पर बंदी लगा दी, तब अपने मंत्री शिवराम जी ने मुझे अर्जेंटली आने के लिए कहा। सारा हिसाब ठीक से किया ना? जी सर, कैश भिजवाने का पूरा इंतजाम करवा रहे। नमस्ते भाई, वो सारे पैसे मुझे देकर 1 हफ्ते में एक्सचेंज करके देने के लिए कहा उन्होंने। ये डील करिया ही कर सकता था, ये सोचकर मैंने फैसला कर लिया, क्योंकि खुद से ज्यादा मैं करिया पर भरोसा करता था। मैंने वो सारे पैसे उसे एक्सचेंज करने के लिए कहा,
वो इस काम के लिए मान भी गया। वो सारे पैसे ले गया और उसने मुझे बताया कि मैंने सारे पैसे एक्सचेंज कर लिए हैं। फिर उसने मुझे एक जगह पर बुलाया। मैं उसकी बताई हुई जगह पर आकर उसका इंतजार करने लगा। उसकी राह देख देख कर मैं परेशान हो गया, लेकिन वो वहां आया ही नहीं। और अब वो पागल के रूप में मिला है। वो पैसे कहाँ हैं ये सिर्फ उसे ही पता है। पैसे कहाँ रखे हैं अब तक पता नहीं चला। उसकी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। हमेशा अपना सड़ा हुआ मुंह उठाकर आ जाता है, शर्म नहीं आती तुझे? और कितने पैसे लेकर जाएगा? अब तक पैसे लिए हैं वो लौटाए नहीं है। जाकर डूब मर कहीं। देख गोली सिंह, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, जल्दी से पैसे लेकर आ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ भाई, एक हफ्ते के बाद मैं आ जाऊंगा। उस मंत्री ने 2 दिन का टाइम दिया है, जाओ। भाई मुझे तो लगता है सारे पैसे हड़पने के लिए ही उन दोनों ने प्लान बनाया है। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुमसे तुम्हारी पहचान ही छीन ली करिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ। मुझे माफ कर दो चंदा। चंदा मामा, चंदा मामा, वहां चंदा मामा। माँ, 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 चंदा मामा। माँ, माँ, नो मैं भाई, माँ उसी लड़की को माँ बोल रही है। इसीलिए कहते हैं करिया, लड़कियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। माँ मुझे देखो, एक लड़की ने भी नहीं छुआ है, और खुद को देखो। माँ, 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 पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं करिया? पैसे, 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 पै
ये पैसे, पैसे माँ, माँ। कॉमेडी। ये देखो, ये दिख रहा है ना, जब मैं 18 बरस का था तब 20 लोगों ने घुसाया 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 छुरा घुसाया, कुछ दिमाग में घुसा, पैसे कहाँ हैं? माँ, मैंने कहा पैसे कहाँ हैं? ए, जब तक ये नहीं बताता कि पैसे कहाँ हैं, इसे मत छोड़ना और उसे भी सामने मत लाना। उसे पकड़ो। Hey!
नहीं, नहीं। मैंने कहा छोड़ दे उसे, बोला ना छोड़ दे। सर 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 एक्सक्यूज मी सर, गोली सिंह और उसके सारे आदमियों का इनकाउंटर किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये आप क्या कह रही हैं? किसने कहा इनकाउंटर हुआ है? ये प्योरली गैंग वॉर था। हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि गोली गैंग में कुछ अनबन हुई थी और इसमें मुंबई माफिया भी इन्वॉल्व था। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन है। वन मिनट वेंकट, जरा फाइल देना। जी सर। उनके नाम है सिंह उर्फ गोली सिंह, प्रकाश उर्फ प्रभाकर, अशोक उर्फ गुल्लू, वसीम खान उर्फ वार वसीम, और ये क्या लिखा है? करिया सर। करण सिंह है क्या? हाँ, करण सिंह उर्फ करिया, ब्लेड नागेश और खत्री जैसे लोग भी हैं गैंग में। सर, उस लड़की के साथ रेप हुआ है ना? नो, अटेम्प्ट हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, नाउ शी इज फाइन। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक है ना? यस सर। किसी को शक तो नहीं हुआ? किसी को शक नहीं हुआ सर, उसके पूरे गैंग में मैंने किसी को नहीं छोड़ा सर। फॉर्मेलिटीज पूरी करके घर पे आ जाना। ओके सर। और वो करिया? सर वो करिया, ए, मैंने कहा छोड़ दे उसे, बोला ना छोड़ दे। से कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर। उसका ठीक से ख्याल रखना। ओके सर। जाओ। ठीक है सर। श्रवण सर, करिया का अच्छे से ट्रीटमेंट कराने का अरेंजमेंट करो। ठीक है सर, पूरा ध्यान रखूंगा। Oh
माँ।